हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक बार हम नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने घर में जो वाईफाई लगा हुआ है उस वाईफाई का पासवर्ड को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हमें उस वाईफाई का जो आईपी एड्रेस है वो हमें पता होना जरूरी है। उसी के थ्रू हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ध्यान ये रखना है कि आपकी कौन सी कंपनी का वाईफाई लगा हुआ है, और क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा राउटर है आपको सामने, ये एयरटेल का है, तो सिंपली इसका जो आईपी एड्रेस होता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे 192.168.1.1 सिंपली ये लिखने के बाद हमें देन एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको वाईफाई का सेटिंग मिल जाएगा। इस सेटिंग में आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको वाईफाई सेटिंग पे क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पासवर्ड आपको शो कर जाएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ दो ऑप्शन है राइट साइड में, 5G का और 2.4 का। तो सिंपली मैं सबसे पहले 2.4 का पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ, और डालने के बाद यहाँ पे आपको चेक भी कर लेना है कि आपने क्या पासवर्ड को डाला है। सिंपली ये सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम चलते हैं 5G का भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो अपने वाईफाई का नाम भी चेंज कर सकते हैं, और देन यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दोबारा से 5G का वाईफाई पासवर्ड डाल देना है। आप चाहे तो सेम भी रख सकते हैं, या चाहे तो आप अलग अलग भी रख सकते हैं। तो सिंपली ये मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ। देन चेक करने के बाद यहाँ पर फिर से मैं सेव कर लूँगा। तरीके से आप अपने वाईफाई के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं सबसे पहले इस पेज को कट कर देता हूँ, और कट करने के बाद यहाँ पे अपने वाईफाई के ऑप्शन में जाके यहाँ वाईफाई नेम को चेक कर सकते हैं, और अपने पासवर्ड को दोबारा से एंटर करके देख सकते हैं। तो सिंपली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।